दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, SBI की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था और उसमें बताया गया था KYC अपडेट को लेके। वहाँ पे बताया गया था कि 31 मई 2021 से पहले जितने भी अपने अकाउंट के साथ KYC को वेरीफाइड या अपडेट नहीं किए हैं, उन सबके अकाउंट को पार्शियली फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इसके चलते आपको बैंक विजिट करना था और अपनी जो KYC की डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे फिजिकली जमा करके आपको KYC वेरिफिकेशन वहाँ पे करना था। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है, अब इंडिया के अंदर कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, इसके चलते काफ़ी सारे लॉकडाउंस लगे हुए हैं हर एक स्टेट्स में, तो फिजिकली बैंक विजिट करना भी आसान नहीं रह गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए SBI अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया था 1 मई 2021 को कि आप घर बैठे भी दो तरीके से अपना KYC डॉक्यूमेंट SBI ब्रांच में भेज सकते हो। पहला तरीका जो है दोस्तों, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अपना जितना भी KYC डॉक्यूमेंट है उसको भेजना पड़ेगा। और जो दूसरा सबसे आसान तरीका है, आप ईमेल के जरिए अपनी बैंक की जो ब्रांच है उस पर अपने ईमेल के जरिए वहाँ पे एक एप्लीकेशन के साथ अपनी जो अटैच करके जो KYC डॉक्यूमेंट है उनका फ़ोटो भेज दीजिए, वहाँ पे भी आपका KYC अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में देखेंगे अगले 2 मिनट के अंदर बहुत आसानी से कैसे आप ईमेल लिखोगे SBI ब्रांच को, और अपनी जो ब्रांच की ईमेल ID कहाँ से मिलेगा आपको वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ऐड करना है वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए और 31 मई से पहले अपना KYC अपडेट करने के लिए रजिस्ट्री पोस्ट के जरिए हो या आप ईमेल के जरिए हो यहां से आप सेंड करिए, ताकि आपके अकाउंट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी यहां पे प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईमेल लिखने से पहले आप यहां पे मैं बताऊंगा आप कैसे अपनी ब्रांच की ईमेल आईडी फाइंड करोगे गूगल के अंदर। तो दोस्तों, गूगल खोल लीजिए अपनी मोबाइल के अंदर, वहां पे लिख दीजिए आपकी जो ब्रांच का नाम, ईमेल आईडी ऑफ, मैं जैसे यहां पे लिख रहा हूं SBI खपरेल कांट, तो आपका जैसे ब्रांच होगा उस हिसाब से आप नाम डाल दीजिए, यहां पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आ गया है sbi.09962@sbi.co.in। तो फिर भी आपको कहीं से ईमेल आईडी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको IFSC कोड पता होना चाहिए अपनी ब्रांच की। IFSC कोड के अंदर जो 5 फिगर की न्यूमेरिकल्स होते हैं उस नंबर को आप यूज़ करते हुए अपनी ब्रांच की ईमेल आईडी बना सकते हो। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मेट की सारे SBI ब्रांच की ईमेल आईडीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले sbi. फिर अपनी जो IFSC कोड है उसका न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 5 फिगर की डाल देना है, आगे @sbi.co.in। अगर आप ब्रांच की जो IFSC कोड है उसका 2 डिजिट या 3 डिजिट का है तो उससे पहले आप उतना 0 ऐड कर लीजिए ताकि वो 5 फिगर में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ब्रांच कोड लास्ट में 210 है तो उससे पहले 00 लगा लीजिए, यहाँ पे 5 फिगर हो जाएगा। अगर आपका ब्रांच कोड 21 है तो उससे पहले आप 30 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 5 फिगर का हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मेल कंपोज करना है तो अपने मोबाइल के अंदर जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, नीचे राइट साइड में प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लीजिए, वहाँ से हम सेंड करते हैं। और यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी होना चाहिए जहाँ से आप सेंड कर रहे हो, आपकी अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनके सामने अपनी जो बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो आप गूगल से सर्च किए हो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, इसको देख के भी लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर KYC अपडेट, फिर टू द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे SBI आपकी ब्रांच का नाम, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर KYC अपडेट, नीचे आप रेस्पेक्टेड सर पब्लिक मैडम, नीचे यहाँ पे आई एम मिस्टर जो भी आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, हैविंग अ सेविंग अकाउंट विद योर ब्रांच, अकाउंट नंबर जो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए, आई एम सेंडिंग द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट्स फॉर KYC थ्रू दिस ईमेल एज फॉर द सर्कुलर ऑफ SBI डेटेड 1/5/2021 ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। यहाँ पे आप इस फॉर्मेट पे आप अपना नाम और अपना अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे इसको लिख दीजिए, और नीचे थैंक यू और उसके नीचे आपका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे ये जो ईमेल है इसको डेमो के तौर पे लिखा हूँ, यहाँ पे आप एक हैंड रिटन यानी आप एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर भी अपना एप्लीकेशन लिख के उसका फोटो खींच के भी आप सेंड कर सकते हो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, आपकी KYC की जो डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करते हुए। यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में आपको डेट और प्लेस डालना है, और यहाँ पे आपको अटैच्ड डॉक्यूमेंट और उसके नीचे आपकी जो आप अटैच डॉक्यूमेंट भेजे उसको नंबर 1 नंबर 2 करके वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे जनरल सी बात है, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ही भेजेंगे KYC अपडेट के लिए, तो यहाँ पे एक नंबर पे आधार कार्ड और सेकंड नंबर पे पैन कार्ड डाल दीजिए। यहाँ पे हमारे जो ईमेल की एप्लीकेशन है वो पूरा हो चुका है, आपको यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड की फोटो फ्रंट साइड और बैक साइड का और अपने पैन कार्ड की फोटो फ्रंट साइड का यहाँ पे अटैच करना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को अटैच करने के लिए यहाँ पे कंपोज के सामने एक क्लिप सा दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और अटैच फाइल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, उससे पहले आप आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड और पैन कार्ड की फ्रंट साइड का क्लियर फोटो खींच के एक अलग सी फाइल बना लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और वहाँ से सिलेक्ट करना आसान रहे। तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड और पैन कार्ड की फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
और ये सारे चीज़ को आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंपोज के सामने जो सेंड के ऑप्शन है वहाँ पे आप इसको अपने ब्रांच पे सेंड कर लीजिए। तो दोस्तों ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपको कोई कोई ब्रांच ऐसे होते हैं दोस्तों जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अपडेट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सबको पता है SBI के ऊपर काफ़ी सारे वर्कलोड्स होते हैं, तो आपको एक बार अपनी जो ब्रांच मैनेजर उनसे बात कर लेना है फ़ोन के जरिए। अगर आपके पास अपनी ब्रांच की जो मैनेजर है उनका फ़ोन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो की लिंक है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे जो रिसेंट बैंक मैनेजर है उनका नाम क्या है और उनका फ़ोन नंबर क्या है, उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बताया गया है। आप वहाँ से आराम से अपनी जो रिसेंट बैंक मैनेजर है करेंटली उनका नंबर ला सकते हो और आप बात करके अपनी KYC को घर बैठे अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।